ये प्रोजेक्ट भी 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा और जो प्रोजेक्ट आज मंजूर हुए हैं लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक, इसको भी सन 2029 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। इससे ट्रैफिक कंजेशन और पोल्यूशन में कमी आएगी, फॉसिल फ्यूल की बचत होगी, यानी कि विदेश से फॉसिल फ्यूल नहीं लाना पड़ेगा, कम लाना पड़ेगा, नागरिकों के यातायात में समय की बचत होगी और सुविधा भी मिलेगी और ट्रेवल कॉस्ट जो खर्चा आता है उसमें भी काफी कमी आएगी। कुल मिलाकर ईज ऑफ लिविंग इससे बढ़ने वाला है। ये जो मेट्रो कॉरिडोर है ये भारत सरकार और यूटी सरकार की एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी डीएमआरसी के माध्यम से किया जाएगा। इन दो कॉरिडोर्स के निर्माण पर आने वाले 8400 करोड़ रुपए के ऊपर इसमें से 1547 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च करेगी, 4309 करोड़ रुपया जायका का लोन इस्तेमाल किया जाएगा, 1987 करोड़ रुपया हम यूटी सरकार का खर्च करेंगे, उनके द्वारा वहन किया जाएगा और 333 करोड़ रुपये का व्यय डीएमआरसी करेगी जो अपने इंटरनल एक्रुअल से किया जाएगा और 195 करोड़ का पीपीपी कंपोनेंट से लिया जाएगा। सो कुल मिलाकर इससे दिल्ली में आवाजाही के लिए और आसानी होगी, सुविधा मिलेगी। लगभग 2.5 लाख लोग प्रतिदिन इसमें सफर कर पाएंगे जब ये कॉरिडोर बनकर तैयार होगी। अगर आज के समय देखा जाए तो 65 से 70 लाख लोग केवल दिल्ली में मेट्रो से सफर करते हैं इस एनसीआर रीजन में और एक बहुत बड़ी सुविधा के रूप में दिल्ली मेट्रो बनकर खड़ी हुई इस एनसीआर रीजन के लिए। धन्यवाद। एनसीआर में 427 किलोमीटर है, अगर आप इसको भी 20.7 किलोमीटर जोड़ लेंगे तो लगभग 450 किलोमीटर के लगभग हो जाएगी। क्या तरुण, लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक 8.4 किलोमीटर मेट्रो लाइन बिछेगी, ये सारी की सारी एलिवेटेड होगी, 8 स्टेशन होंगे, 8 के 8 एलिवेटेड उस पर ही होंगे। इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक 12.4 किलोमीटर, जिसमें से 11.4 अंडरग्राउंड होंगे और एलिवेटेड 1 किलोमीटर का होगा, इसमें से 10 स्टेशन होंगे जिनमें से 9 अंडरग्राउंड और 1 एलिवेटेड होगा। और इसके अलावा स्टेशन कहां कहां होंगे, 8400 करोड़ रुपया खर्च आएगा। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक के बीच में जो स्टेशन बनेंगे, लाजपत नगर, एंड्रयूजगंज, ग्रेटर कैलाश 1, चिराग दिल्ली, पुष्प भवन, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर और पुष्प विहार एंड साकेत जी ब्लॉक, ये 8 इसके स्टेशन होंगे। इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक इंद्रलोक, दयाबस्ती, सराय रोहिला, अजमल खान पार्क, नाभी करीम, न्यू दिल्ली, एलएनजेपी हॉस्पिटल, दिल्ली गेट, दिल्ली सचिवालय और इंद्रप्रस्थ, ये 10 इसके स्टेशन होंगे। 8400 करोड़ रुपया कुल खर्च होगा, उसमें से 1547 करोड़ रुपया भारत सरकार व्यय करेगी, 4309 करोड़ रुपया जायका से ऋण लिया जाएगा और यूटी सरकार के माध्यम से 1987 करोड़ रुपया खर्च होगा, 333 करोड़ रुपया डीएमआरसी अपने इंटरनल एक्रुअल से खर्च करेगी और पीपीपी मोड पर 195 करोड़ रुपया रेज किया जाएगा। Yeah, any more questions? Otherwise, I mean, we can conclude the cabinet briefing. Yes. Microphone pass kariye yahan pe. Mic de dijiye bhai. Anurag ji, ab ye jo cabinet ki baithak hui hai, kya mana ja sakta hai ki chunav ki ghoshna se pehle ye aakhri cabinet hai ya is beech mein desh hit mein aur bhi faisle lene ke liye cabinet ki baithke hoti rahegi? आप सब लोग बहुत अनुभवी पत्रकार भी हैं और मीडिया के चैनल से मैं कहना चाहता हूं, कैबिनेट मीटिंग पर आचार संहिता की क्या रोक है, सरकार तो कॉन्टिन्यूटी में होती है।
और ऐसी कोई कन्वेंशन नहीं है कि भाई कैबिनेट मीटिंग नहीं होगी, देश हित में कोई निर्णय करने होते हैं तो होते हैं। सरकार की टर्म जो है या लोकसभा की भी वो 31 मई तक है, तो जो इलेक्शन कमीशन के अनुसार जब पिछली सरकार का गठन कार्यकाल जब पिछली लोकसभा का हुआ था तब तक तो ये है ही है जब तक अगली सरकार का गठन नहीं होता। लेकिन अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा अरविंदर जी, बाकियों के लिए भी जानकारी।